गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए अष्ट रूप में धारण करते हैं। आठ रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर भरत विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति, ऐसे गणेश जी के अष्ट नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है किस नाम से रखी जाती है, तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था घर में सीधी सुंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सुंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में, जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदर वाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं, या स्वस्तिक बनाएं, या माताएं दरवाजे पर रंगोली डालें, तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में तो विसर्जन करो, तो विसर्जन के समय पर दो बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं, पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए, तो गणेश जी जाते हैं रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए दो बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की एक हल्दी, रिद्धि सिद्धि।